सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरएमडी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स कैंपस वारजे, ये सिंहगढ़ का अंडर कॉलेज आता है बराबर, और ये पुणे में है बराबर, इसके बारे में कम्प्लीटली बात करने वाले हैं, जो भी इसके कोर्सेस हैं, कट ऑफ कितना था वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर ही होते हैं, लेकिन सिटी से काफ़ी दूर होने के वजह से बच्चे उनको प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तो इसलिए उनका कट ऑफ कम हो जाता है। तो और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे उनका प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, या फिर टीचिंग स्टाफ वगैरह। कॉलेज का अगर एक बार नाम हो गया ना, तो फिर उसका नाम होता ही रहता है। एक ने बोला अच्छा है तो बहुत सारे लोग फिर अच्छे बोलते हैं, और एक ने कॉलेज के बारे में कुछ बुराई की तो बहुत सारे लोग बिना सोचे ही अच्छा है, अरे ये बोल रहा था अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से कट ऑफ कम ज़्यादा होते रहते हैं बराबर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर अप्लाई नहीं करेंगे, ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे तो कट ऑफ कम होगा बराबर। तो ऐसे कॉलेजेस जिनमें कट ऑफ कम होता है बराबर, ऐसे कॉलेजेस में हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस बताएं, जहाँ पर कंप्यूटर आईटी इंजीनियरिंग हम ले सकें। लो मतलब बहुत ज़्यादा लो तो नहीं होगा, लेकिन कंपेरेटिव जो सिटी के कॉलेज होते हैं जिनका नाम होता है, उनसे तो लो मिलेगा आपको कट ऑफ यहाँ पर बराबर। तो ऐसे कॉलेजेस हम यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉलेज के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं इंस्टीट्यूट का, जैसे कि मैंने नाम तो अभी बताया आपको, 2011 से कॉलेज शुरू है। 6769 इसका DTE कोड है, पुणे में आता है, DTE रीजन भी पुणे है और इसका डिस्ट्रिक्ट भी पुणे है। डिटेल्ड एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हो, वारजे तालुका हवेली डिस्ट्रिक्ट पुणे, उसके बाद पिन कोड भी देख सकते हो, और सिंहगढ़ के अंडर ही कॉलेज आता है। तो सिंहगढ़ के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस हैं पुणे के अंदर, काफ़ी रिव्यू कर चुके हैं काफ़ी कॉलेजेस का, और प्रोग्रेस में है, बहुत सारे कॉलेजेस हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पुणे के अंदर के और महाराष्ट्र के अंदर के भी है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे आप कॉलेज को, अगर फिजिकली विजिट करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कॉलेज को विजिट करना एडमिशन के पहले बार, और अगर आपको कॉलेज मिलता है तो बाद में तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है जो पुणे से आप 11 किलोमीटर दूर पड़ेगा ये कॉलेज, और शिवाजीनगर बस स्टैंड से 7 किलोमीटर, और लोहगा का जो एयरपोर्ट है पुणे का, वहाँ से 18 किलोमीटर। और दुख की बात बोल लो या अनफॉर्चुनेटली बोल लो, यहाँ पर जिनको हॉस्टल चाहिए कैंपस के अंदर, वो लोग यहाँ पर नाराज़ होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों अवेलेबल नहीं है बराबर। ऑफकोर्स हॉस्टल नहीं है, लेकिन काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पर आपको कॉलेज के बाहर हॉस्टल्स मिल जाएंगे, प्राइवेट PG वगैरह जो भी होता है, तो वो रहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना है कि कॉलेज का हॉस्टल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो डिग्री आपको BE मिलेगी, और ये कॉलेज एफिलिएटेड है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को। कौन से कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर देखते हैं, तो काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पर, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है बराबर। तो सिविल में 90 इनटेक है, कंप्यूटर और IT का मिला के यहाँ पर 180 बन जाता है, 120 प्लस 60, ENTC में 60 है, और मैकेनिकल का काफ़ी बड़ा है, 150 इनटेक है। सारे के सारे कोर्सेज 2011 से शुरू है, अनएडेड कॉलेज है, नॉन ऑटोनोमस है और नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है बराबर। अनएडेड मतलब प्राइवेट कॉलेज हम इसको बोलते हैं बराबर, नॉन ऑटोनोमस मतलब किसी यूनिवर्सिटी के अंडर ये काम करता है, तो पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, और नॉन माइनॉरिटी जो होता है वो माइनॉरिटी कॉलेजेस में माइनॉरिटी सीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि जैन हो गए, सिख हो गए, जो भी माइनॉरिटी में आते हैं लोग, उनके लिए कॉलेजेस होते हैं वो। ठीक है, उनमें बाकी कोटा भी होता है लेकिन कम होता है। ओके, तो बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। मैंने सर्च करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला है मुझे बराबर, और प्लेसमेंट के बारे में भी ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक, आप फर्दर रिसर्च कर सकते हो, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, अगर आपको कोई पास आउट है यहाँ से, कॉलेज से पढ़ चुका है, या फिर कॉलेज में है अभी, कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बता दें कि कॉलेज का प्लेसमेंट या फीस स्ट्रक्चर कैसा है, तो बाकी लोगों को ज़रूर हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखते हैं, कोर्स वाइज कट ऑफ देखते हैं हम सारे के सारे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, ये कैप राउंड 1 का कट ऑफ है पिछले साल का। ऑफकोर्स इंजीनियरिंग के एडमिशन MST CET के PCM परसेंटाइल पर होता है, तो PCM परसेंटाइल के नंबर है ये फिगर्स जो अभी आप देख रहे हो। तो होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी, मतलब होम यूनिवर्सिटी के लिए 4% है कैटेगरी वाइज ओपन के लिए, बाकी कैटेगरी का जहाँ पे डैश है वो अवेलेबल नहीं है, ऑथराइज्ड जो PDF जहाँ से मिलता है वहाँ पे ही अवेलेबल नहीं है। तो शायद इसके रीजंस हो सकते हैं, ज़्यादातर बच्चों ने अप्लाई नहीं किया होगा सिविल इंजीनियरिंग के लिए,
वैसे भी सिविल इंजीनियरिंग और ऐसे कोर्सेज के लिए काफ़ी डिमांड कम हो चुका है, क्योंकि वैसे फील्ड अच्छा है, फील्ड का डिमांड तो है ही, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कंप्यूटर आईटी को ही प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए बाकी कोर्सेज में नहीं जाना चाहते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का है 8% जो कि स्टेट लेवल पे होता है। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर का और बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, सिविल का कैसा था और कंप्यूटर का कट ऑफ देखिए। तो होम यूनिवर्सिटी देख सकते हैं आप 78%, एससी के लिए 60%, वीजी के लिए 63%, NT1 के लिए 71%, NT2 के लिए 72%। तो कैटेगरी वाइज सारे कट ऑफ मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए, कैप राउंड 1 के पिछले साल के बराबर, कैप राउंड 2 का जो कट ऑफ होता है इससे मिलता जुलता ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है बराबर। तो इससे आपको अंदाज़ आ जाएगा सिटी में जो कॉलेज होते हैं बहुत सारे उनका कट ऑफ जो है 90% के आसपास है, तो कंपेरेटिवली दोज कॉलेजेस इस कॉलेज का कम है, इसलिए हम इसको लो कट ऑफ कॉलेज बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यू वीडियो पॉज कीजिए, आराम से कट ऑफ पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आईटी का, कंप्यूटर के बाद जो आता है वो आईटी का ही कट ऑफ आता है मैक्सिमम लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे भी फिर से मैंने कैटेगरी वाइज होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी का देख सकते हो आप कट ऑफ, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस टीएफडब्ल्यूएस का भी देख सकते हो, वीडियो पॉज कीजिए। और ये जो ऑल इंडिया होता है वो जेईई मेन से जो लोग एडमिशन लेते हैं उसको ऑल इंडिया कट ऑफ बोलते हैं, तो 72% है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से पढ़िए कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी लास्ट है हमारा कोर्स यहाँ पे, तो ओपन के लिए 13% और बाकी अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे रीजंस की वजह से बराबर। तो ओपन के लिए 13 है तो कैटेगरी में बाकी तो कम ही होगा, अगर आप मतलब थोड़ा सा सोच समझदारी से काम लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें कट ऑफ कम लग सकता है, जिस कॉलेज को ज़्यादा, मान लीजिए आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए और आपका स्कोर कम है 70% है, फिर भी मिल सकता है, रिमेंबर दिस। क्योंकि देखो अगर आप दूर के कॉलेजेस जिसको ज़्यादा बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं वैसे कॉलेजेस में, वहाँ पर अगर ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कोई चिंता नहीं है, हॉस्टल है, आपको खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, रहने की चिंता नहीं है, कॉलेज ठीक ठाक है, तो आप उस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो अगर आपको कोर्स वही चाहिए तो। क्योंकि सिटी में जाओगे जो ज़्यादातर बच्चे वही कॉलेज चाहिए 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 बोलते हैं, तो ऑफकोर्स यार वहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है बराबर। तो जिनका स्कोर ज़्यादा है उनको तो मिल जाएगा, लेकिन स्कोर कम वाले भी कंप्यूटर कहाँ से ले फिर, तो वो थोड़ा दिमाग लगा के वो कॉलेज छोड़ के थोड़े जो सिटी से बाहर होते हैं वो कॉलेज के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। तो हम वैसे सारे कॉलेजेस कवर कर रहे हैं, डोंट वरी, आप एक एक वीडियो ज़रूर देख सकते हो, जितने भी आपको डेटा है वो आप वीडियो पॉज करके लिख के ले सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब आप प्रोसेस चालू होगा तो आपको हेल्प करेगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर रुकते हैं इस वीडियो में और करते हैं एक और वीडियो में ज़बरदस्त बात, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि लाइक करते हो तो ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा वीडियो, सबको हेल्प होगी, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।